हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीधे रसोई से। आज हम बनाएंगे बंगाली अरबी की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक अरबी। बहुत बड़े साइज़ की होती है ये। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा, जैसे दिख रहा है कि छीलना है तो ऊपर से छील सकते हैं, बट हम इसको पहले पीस करेंगे राउंड शेप में। और आप चाहें तो आपको जिस तरह से ईजी लगता है आप उस तरह से इसको कट कर सकते हैं। मुझे इस तरह से बहुत ईजी लगता है ये, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से काटते हैं तो छीलने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे मैं इनको सारे कट कर लेती हूँ पहले। और ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाकर खाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। फर्स्ट बार मैंने खाई तो मुझे इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था खाने का और ना बनाने का, बट मैंने जब दोबारा से फिर से बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जो नॉनवेज खाते हैं ना लोग, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब जैसे फिश खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये, फिश से भी बहुत कहीं ज़्यादा बढ़ करके रेसिपी बन करके तैयार होती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड शेप में काटा तो बहुत अच्छे से छिल गई, और मैंने इनको दो पीस में कट करके बिल्कुल रख लिया है। और अब इसको हम अच्छे से पानी से, एक दो पानी से धो करके तैयार करेंगे, और उसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। इसको याद रखें, काटने से पहले हाथों में ऑयल लगाएं, और फ्राई करने से पहले इसको अच्छे से पानी से धो करके और कपड़े से पोंछ करके डालें, वरना हाथों में खुजली हो जाती है। उधर हमारा ये जब तक फ्राई हो रहा है बंगाली अरबी के पीस जो हमने किए थे, तब तक हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सबको हम एक साथ ग्रेवी बनाएंगे। इनका हमें कोई कच्चा पक्का नहीं करना है। और ये देखिए, बंगाली अरबी को बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है, बिल्कुल रेड एकदम, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई, बट ये अंदर से कुछ रेशे टाइप से, लेस टाइप से छोड़ जाएगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अच्छे से बिल्कुल जैसे मेरी दिख रही है ना, इस तरह से आपको फ्राई करनी है इसको। और आप चाहें तो इसको हम नमक मिर्च डाल करके ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो खुजली वाला सीन था वो ख़त्म हो गया है फ्राई होने के बाद में। तो आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, जैसे हम लोग आलू का चाट बना के खाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी ग्रेवी वाली, हल्की सी ग्रेवी करूँगी मैं इसमें। और आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट आप देखते जाइए आगे, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। फिश खाना भूल जाएंगे, फिश खाने वाले, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है इसकी। तो यहाँ पे ये सारा मैंने फ्राई करके रख लिया है, ये देखिए। ज़्यादातर ये सब्ज़ी इसी टाइम पक गई है, आपको अब कुछ नहीं करना है इसका, ना सीटी लेना है ना कुछ और एक्स्ट्रा करना है, बस सिर्फ इसको सब्ज़ी को बनाना है मसाले में डाल करके। जो बचा हुआ ऑयल है उसमें से मैंने थोड़ा निकाल दिया है, और उसी कढ़ाई में मैं वापस से आ गई हूँ। तो इस कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़े से तेज पत्ते, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें चुटकी भर जीरा, जिससे थोड़ा सा स्वाद अच्छा बढ़ जाता है। चुटकी भर जीरा डाल देते हैं, और थोड़ा सा फ्राई होगा, गैस को कर देंगे फुल फ्लेम। और अब डाल देंगे हम इसमें मसाला जो हमने बनाया था। यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमें लहसुन अदरक अलग से डालना या कुछ भी, हमने सब एक साथ पेस्ट बनाया है। और बिल्कुल हम इसको अच्छे से भुनेंगे तेल छोड़ने तक, और अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, बस इतने से हम ये चारों मसाले डाल करके इसको अच्छे से भुनेंगे। सब्जी के करीब करीब सारी चीज़ें डल चुकी हैं, बट थोड़ा सा हम इसको भून रहे हैं इससे ये कच्चा ना रहे। और अब हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, क्योंकि इन दिनों में धनिया थोड़ा सा कम आ रहा है, तो फ्लेवर के लिए हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे जो भी मैंने पीछे भुने थे, बट मैं आपसे दिखा नहीं पाई हूँ, तो सॉरी टू से फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे इसको हमने खूब अच्छे से भून करके और वो डाल दिए थे, उस टाइम मैंने पता नहीं क्यों कैमरा ऑफ कर दिया था। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी, और
पानी से क्या है, थोड़ा सा जो हमने ग्रेवी जो ऑयल डाला है वो सब ऊपर आ जाएगा, तो थोड़ा एकदम रंगत अच्छी लगेगी सब्ज़ी की, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है सब्ज़ी जब उसमें ऊपर तरी जैसे ऊपर आ जाती है ना, तो इस तरह से। तो अभी हम थोड़ा पानी डाल करके और इसको थोड़े 5 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे, जिससे इसमें अच्छे से सारा मसाले वसाले एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको मैंने पानी डाल करके रख दिया है। और याद रहे इन पीसों को ज़्यादा एकदम ज़्यादा किसी भी कलछी अलछी से ना चलाएं, क्योंकि ये टूट सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से पक गए हैं। इसलिए बस इसको हम 5 मिनट पकाएंगे ढक करके। या देखिए यहाँ पे ये सब्जी का जितना हमने पानी डाला था वो सब एकदम एब्जॉर्ब हो गया है, मसाले एकदम बढ़िया मस्त भुन करके तैयार हो गए हैं। अरबी के जो पीसेज हैं वो एकदम आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल फिश के पीस बने हुए हैं। ये देखिए एकदम अरबी गल गई है, मैंने एक आपको तोड़ के दिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि फ्राई करने से गलता नहीं है, ये गल जाता है बहुत अच्छे से। तो अब आप इसको थोड़ा सा मसाले डालते हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से क्या है, थोड़ा सा इसमें जो भी मतलब मसाले हमने डाले हैं वो थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे, ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा इसमें, है ना। तो इसको हम डाल करके मिला देते हैं। और ये एक सार सब्ज़ी आप ज़रूर बना करके देखें, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना एकदम रॉकेट सब्ज़ी बनी थी, रॉकेट। आप खाएंगे तो आपको क्या मतलब मज़ा आ जाएगा। और अब यहाँ पे मैं इस सब्ज़ी को सर्व कर लेती हूँ। सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है, सर्व भी कर दी है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।